Now we will discuss about meiosis. Meiosis is a specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half, results in production of haploid daughter cells. तो मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस होकर के हाफ रह जाता है और जो उससे डॉटर सेल बनती हैं वो हैप्लॉयड हो जाती हैं। अगर पेरेंट सेल डिप्लॉयड है तो डॉटर सेल हैप्लॉयड हो जाएंगी। इस तरह का जो डिवीजन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले गैमेट के फॉर्मेशन के समय पे होता है, टाइम पे होता है, ताकि जिससे आफ्टर सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन जो क्रोमोसोम का नंबर है वो मेंटेन रहे। किसी भी इंडिविजुअल में अगर ह्यूमन को ले लें तो अगर 46 क्रोमोसोम हैं तो मियोसिस के बाद उनमें 23 क्रोमोसोम रह जाएंगे हर एक गैमिट में, और फ्यूजन के बाद मेल एंड फीमेल गैमिट के बाद वो फिर से 46 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिप्लॉयडी या क्रोमोसोम नंबर जो है वो मेंटेन रहता है, और हैप्लॉयड और डिप्लॉयड स्टेज एक के बाद एक आती रहती है, और इस तरह से एक साइक्लिक मैनर में ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। अब हम मियोसिस की बात करें, डिटेल में जाएं थोड़ा सा इसमें, तो इसमें वही दो स्टेज होती हैं जैसा हमने माइटोसिस में देखा था कि कैरियोकाइनेसिस है साइटोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर का डिवीजन और साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और मियोसिस में ये स्टेज दो बार आती है जिसको कि हम लोग मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में डिवाइड करते हैं। मियोसिस से पहले जैसा कि हमने माइटोसिस में भी देखा था जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है इंटरफेज के अंदर में वो एक ही बार होता है, यानी एक बार इंटरफेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, सिंथेसिस हो जाती है, उसके बाद मियोसिस फर्स्ट और उसके तुरंत बाद ही मियोसिस सेकंड होती है, और मियोसिस फर्स्ट में और मियोसिस सेकंड दोनों में ही न्यूक्लियर और सेल का बारी बारी से डिवीजन होता है, यानी कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दो बार होती है। इसके साथ ही इस मियोसिस में खास करके फर्स्ट फेज में जो होमोलागस क्रोमोसोम होते हैं उनमें रिकम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, जिसके हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, और एट लास्ट जो मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड होने के बाद फोर हैप्लॉयड सेल बनती हैं। तो इस तरह से हम मियोसिस फर्स्ट को फोर फेज में डिवाइड करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और मियोसिस सेकेंड को भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में डिवाइड करते हैं। इसमें से जो मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज होती है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गर होती है और कॉम्प्लेक्स होती है, तो इसके बारे में अब हम आगे चर्चा करते हैं कि प्रोफेज में कौन कौन सी स्टेज होती हैं। तो मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट अन्य फेजेज के रिस्पेक्ट में लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स होती है, इसीलिए इस फेज को फाइव फेजेज में डिवाइड किया जाता है। तो फाइव फेज में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचीटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस आते हैं। लेप्टोटीन के अंदर क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट होने लगता है और इसके साथ साथ क्रोमोसोम धीरे धीरे माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होने लगते हैं। लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन स्टेज आती है। जाइगोटीन में होमोलागस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग होती है। होमोलागस क्रोमोसोम का मतलब जो क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं और उनमें से एक पेयर मदर से आया हुआ होता है और एक फादर से आया हुआ होता है, तो इस तरह से जो पेयरिंग होती है उसको हम लोग सिनेप्सिस बोलते हैं। और इसके अलावा इस स्टेज में अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर होमोलागस क्रोमोसोम जो साथ में जब आ जाते हैं तो उसको हम लोग बाइवेलेंट बोलते हैं या फिर इसको हम टेट्राइड बोलते हैं। तो टेट्राइड इसलिए बोलते हैं कि
जो होमोलागस पेयर है उसके अंदर दो क्रोमोसोम हैं और हर क्रोमोसोम के अंदर दो सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं। तो इस तरह से एक पेयर के अंदर चार सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं, तो कुल मिलाकर के फोर सिस्टर क्रोमेटिड हुई। तो इस तरह से हम इसको टेट्राइड कहते हैं। जाइगोटीन के अंदर जो बाइवेलेंट या टेट्राइड का फॉर्मेशन होता है, पैचिटिन स्टेज में वो अब ज्यादा डिस्टिंक्ट और क्लियर हो जाता है। इसके साथ साथ होमोलागस पेयर के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनमें रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होने के बाद इसमें क्रॉसिंग ओवर होने लगती है। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलागस क्रोमोसोम। तो क्रॉसिंग ओवर के जरिए जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच में कुछ जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम के पार्ट का एक्सचेंज होता है, यानी इस एक क्रोमोसोम का कुछ पार्ट निकल के दूसरे क्रोमोसोम पे और दूसरे क्रोमोसोम का कुछ पार्ट निकल के पहले क्रोमोसोम पे आ जाता है। तो इस तरह से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, और इसके लिए जो एंजाइम की जरूरत होती है वो रिकम्बिनेज एंजाइम है, वो यहाँ मौजूद होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर टू क्रोमोसोम के जेनेटिक मटेरियल के रिकम्बिनेशन को लीड करती है, प्रोसीड करती है। और ये जो रिकम्बिनेशन है वो इस पैचिटिन स्टेज के अंत तक धीरे धीरे पूरा हो चुका होता है, लेकिन अभी भी जो क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर में लिंक्ड हैं वो अभी भी लिंक्ड रहते हैं, वो अलग नहीं हुए होते। अब नेक्स्ट स्टेज डिप्लोटीन है। डिप्लोटीन के शुरू होते ही जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था होमोलागस क्रोमोसोम के बीच, वो अब धीरे धीरे डिजोल्यूट होने लगता है, और जो क्रोमोसोम अब रिकम्बिनेंट हो चुके हैं होमोलागस क्रोमोसोम, वो अब एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं। यानी जो जाइगोटीन में पेयरिंग हुई थी क्रोमोसोम की, फिर पैचिटीन में कुछ पार्ट एक दूसरे के ऊपर आके क्रॉसिंग ओवर की स्टेज में आए थे, उनमें रिकम्बिनेशन हुआ, एक्सचेंज हुआ, अब वो धीरे धीरे सेपरेट होने की स्टेज में आ जाते हैं। और जाइगोटिन में जो सिनेप्सिस या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ था वो अब डिजॉल्व हो चुका होता है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर की जो साइट है वहां पे क्रोमोसोम अभी भी सेपरेट नहीं हुए होते हैं। तो इस तरह से जब बाकी जगह पे क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं लेकिन क्रॉसिंग ओवर की साइट पे सेपरेट नहीं हुए होते हैं, तो एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। जहां जहां पे क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर की स्टेज होती है वहां पे एक क्रॉस या एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है। तो इस पोजीशन को जिसमें एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है हम लोग काइजमेटा बोलते हैं। और कुछ वर्टिब्रेट्स में ऐसा देखा गया है कि ये जो डिप्लोटिन स्टेज होती है जिसमें काइजमेटा फॉर्मेशन हुआ होता है वो काफी लंबे समय तक रहता है, इवन कई महीनों तक या सालों तक ऐसा रह सकता है। प्रोफेज फर्स्ट की फाइनल स्टेज डायकाइनेसिस है। जैसा कि हमने डिप्लोटीन में देखा था कि क्रोमोसोम में जो सिनेप्सिस होती है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो चुका होता है, लेकिन क्रोमोसोम अभी भी क्रॉसिंग ओवर की साइट पे अटैच होते हैं, अलग नहीं हुए होते हैं, और वहाँ पे एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर काइजमेटा का फॉर्मेशन होता है। तो डाइकाइनेसिस में अब वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और वो क्रोमोसोम धीरे धीरे जो काइजमेटा है वो बाहर की तरफ एक क्रोमोसोम स्लिप करते हुए अलग हो जाते हैं। इसके साथ साथ क्रोमोसोम में अब कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है, और इसके साथ साथ मियोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन होने लगता है। इसके साथ साथ इसमें होमोलागस क्रोमोसोम अब सेपरेट भी होने लगते हैं, थोड़ी सी दूरी पर आ जाते हैं, और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये दोनों वापस से डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं,
और इस तरह से ये डायकाइनेसिस जो है ये प्रोफेज की लास्ट स्टेज है। तो जैसा कि हमने माइटोसिस में देखा था कि प्रोफेज में जो चीज़ें डिसेपियर होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ भी डिसेपियर हो चुकी होती हैं, और इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेज मेटाफेज। मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज फर्स्ट स्टेज में जो बाईवेलेंट क्रोमोसोम हैं जो होमोलागस पेयर के फॉर्म में हैं वो इक्विटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं, और इस बाईवेलेंट क्रोमोसोम में होमोलागस पेयर में अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर आकर के हर एक क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, और इस तरह से सारे क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में इक्विटोरियल प्लेट पर आकर के अरेंज हो जाते हैं। इसके बाद एनाफेज फर्स्ट की स्टेज आती है। तो एनाफेज फर्स्ट में जो होमोलागस क्रोमोसोम हैं अब वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं, क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर होता है वो अब सिकुड़ने लगता है और क्रोमोसोम को अपोजिट पोल की तरफ खींचने लगता है, और इस तरह से क्रोमोसोम जो हैं वो अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इसमें सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी अलग नहीं हुए होते, सिस्टर क्रोमेटिड वैसे के वैसे ही लगे होते हैं। सिर्फ जो क्रोमोसोम अपोजिट पोल को जाते हैं वो जो क्रोमोसोम पेयर में थे उन्हीं में से एक क्रोमोसोम एक पोल पर और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल पर जाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं ये टीलोफेज फर्स्ट की स्टेज है। तो टीलोफेज में क्रोमोसोम के अंदर या सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपेयर होने लगती है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है, और इस तरह से डायड ऑफ सेल यानी दो सेल का फॉर्मेशन होता है। कुछ केसेज में हमने ऐसा देखा गया है कि वो जो क्रोमोसोम होते हैं वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पाते यानी क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में नहीं आ पाते हैं, और तुरंत ही उसमें दूसरा डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। दो मियाटिक डिवीजन के बीच की स्टेज को हम लोग इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, और ये बहुत शॉर्ट होती है और इसमें किसी भी प्रकार का डीएनए का सिंथेसिस नहीं होने पाता है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। तो इंटरकाइनेसिस एक शॉर्ट टाइम पीरियड है जिसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो पाता है, और इसके जस्ट बाद मियोसिस सेकेंड शुरू हो जाती है। मियोसिस सेकेंड काफ़ी हद तक माइटोसिस के सिमिलर होती है। तो मियोसिस सेकेंड साइटोकाइनेसिस के जस्ट बाद शुरू हो जाती है, और क्रोमोसोम जो है कि पूरी तरह से नॉर्मल भी नहीं हो पाते हैं, पूरी तरह से इलांगेटेड नहीं हो पाते, कंस्ट्रिक्टेड ही रह जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रोफेज सेकेंड शुरू होती है। प्रोफेज सेकेंड में वही प्रोसेस प्रोफेज फर्स्ट में जो होती थी या माइटोसिस के प्रोफेज में होती थी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसेपियर हो जाते हैं। इसके बाद क्रोमोसोम फिर से और ज़्यादा कम्पैक्ट हो जाता है। फिर मेटाफेज सेकेंड स्टेज आती है। इसमें क्रोमोसोम जो है इक्विटोरियल प्लेन पर फिर से आ जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, और इस बार जो स्पिंडल फाइबर है वो इनके काइनेटोकोर से अटैच होता है, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटोकोर से अटैच होता है। यानी अब इसमें जो आगे डिवीजन होगा इसमें सिस्टर क्रोमेटिड अब सेपरेट होंगे। तो इस तरह से पहले मियोसिस फर्स्ट में हमने देखा था कि वहाँ पे सिर्फ जो क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे वो बेस मतलब पेयर था उनका, जो वो अलग हुए थे बाइवेलेंट क्रोमोसोम के पेयर में से, होमोलागस क्रोमोसोम के पेयर में से एक एक क्रोमोसोम अलग हुए थे, लेकिन यहाँ पे अब सिस्टर क्रोमेटिड अलग होंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप एनाफेज है। एनाफेज में ये स्पिंडल फाइबर सिकुड़ने लगते हैं, कंस्ट्रिक्ट होने लगते हैं, और सिस्टर क्रोमेटिड अब बीच से सेपरेट हो जाती हैं और अपोजिट पोल्स को मूव करने लगती हैं। और टीलोफेज सेकेंड में यानी कि जो लास्ट स्टेज है इसमें क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं, और इनके चारों ओर अब फिर से न्यूक्लियर एनवलप डेवलप होने लगता है, इसके न्यूक्लियोलस इसमें रीअपीयर हो जाती है और साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस होने के बाद टेट्राइड ऑफ सेल बन जाता है यानी फोर हेप्लॉयड डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस फिगर में आप देखिए इसमें प्रोफेज है, प्रोफेज सेकेंड है, फिर मेटाफेज सेकेंड है,
फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज।